साथ मौजूद हैं, क्या बदलती हुई रणनीति का हिस्सा है जयपुर टू जैसलमेर? देखिए, ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है उनको कब क्या कदम उठाना, वो अशोक गहलोत जी खुद जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को एमपी में मैदान खुला मिल गया, बाकी जगह मिल गया, उनकी आदत पड़ी हुई है सरकार गिराने की। उनको ना कोरोना संकट से मतलब है, ना महंगाई से, ना पेट्रोल डीजल की रेट से, क्योंकि देश में चाइना के जो हालात क्रिएट हुए उनमें राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि चाइना अंदर आ गया, प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे 20 सैनिकों का बलिदान हो गया, फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कुछ कदम हम पीछे हटेंगे, कुछ वो तो अंदर आकर पीछे हटेंगे। तो आपको देश के बॉर्डर की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ एक चिंता है कि राजस्थान में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को कैसे हटाया जाए। उस षड्यंत्र में वो लगे हुए, उस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम सब लोग यहीं रहेंगे, मंत्री सचिवालय में रहकर काम करेंगे। विधायक अधिकतर जैसलमेर शिफ्ट हुए, क्योंकि इसी होटल पर जिसमें हम थे उसमें ईडी छापा डाल चुकी है 2-2 बार, तो हमारे कारण से होटल वाले को इतनी परेशानी हो तो वहाँ शिफ्ट किया गया है, क्योंकि अब इनका प्रेशर और बढ़ेगा 14 तारीख तक। लेकिन ये तय बात है, किसी भी जुल्म अन्याय से, केंद्र सरकार की लाठी गोली तानाशाही से, ईडी इनकम टैक्स से ना हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। मुकाबला होगा और जीत हमारी है 14 को, क्योंकि नंबर गेम हमारे पास। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पैसों के बोरे फिर से खोलने लग गए हैं और खरीदने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री खुद आगे आकर ये बात बोल रहे हैं, इसके कुछ मतलब होता है। और पैसे के बोरे कितने भी खोल दें, लेकिन राजस्थान की धरती स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ पे पाप का, धोखे का, झूठ का, फरेब का ये शासन कभी नहीं चलता है। जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश हुई है वो प्रदेश की जनता को पसंद नहीं आया, क्योंकि सिर्फ 1.5-2 साल बाद ही लोग सरकार गिराने में लग गए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी, सरकार चलेगी और 14 अगस्त को प्रूव होगा। आपने एक चीज़ बार बार कही है कि ठाकुर जी आपके साथ है, सुदर्शन वाले आपके साथ है, तो क्या अब 14 अगस्त को सुदर्शन चक्र चलने वाला है आपका? ये सुदर्शन चक्र चला है तभी हमारा बहुमत कायम रह पाया। और ये मान लेना कि ठाकुर जी कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं, जहाँ राम और कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है वहाँ कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं हिला सकती, जीत हमारी पक्की है। बिल्कुल, तो कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं हरा सकती। और कहना यह भी है मंत्री प्रताप सिंह का कि चाहे जितने प्रलोभन दिए जाए लेकिन कांग्रेस के विधायक हिलने वाले नहीं हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार मजबूती से काम करेगी। कैमरामैन गंजाम करोल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।